नर्मदे हर दोस्तों, हर हर महादेव। देखिए मैं कहाँ पे रुका हूँ। एक शेर था, यहीं पे रुक गया आज। ये है भिलगांव। भिलगांव में है, ऊपर आश्रम है, लेकिन उधर जगह नहीं थी, इस वजह से यहाँ पे रुक गए हैं। लेकिन अच्छी रही रात, बहुत सुंदर। एक परिवार रहता है यहाँ पे, तो यहाँ पे उन्होंने शाम का भोजन का भी कर दिया था, और सब कुछ तो वही है। और एक चादर दे दी थी, इस वजह से मेरे को ठंड भी नहीं लगी। ओस पड़ रही थी, इस वजह से ज़्यादा ठंड थी भी नहीं। और अभी पूजा करके अभी निकल पड़े हैं हम। ठीक है, चलते हैं फिर आगे की तरफ। नर्मदे हर 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 ये महादेव। देखिए इधर है, और मैया जी का बैक वाटर वहाँ पे है नीचे, देखिए। और मैं यहाँ पे सोया था, ठीक है, यहाँ पे सोया था मैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुई। आसन मेरा लगा हुआ है। और ये दक्षिणा, और ये उनको दक्षिणा देनी है। तो भाई सेवा ऐसे नहीं ले सकते किसी गृहस्थ से। तो चलिए चलते हैं, और कुछ आश्रम में भी देखे जाते हैं। आश्रम बड़ा नहीं है ज़्यादा, इस वजह से जगह भी नहीं है उधर। थोड़ा आश्रम में भी करके जाते हैं सेवा। और देखिए हम वहाँ से चले, अब ये रोड रोड है धड़गांव तक, और धड़गांव आज पहुँचना ही है दोस्तों। ये नीचे जो नदी है वो उदय नदी है, ठीक है, और ऊपर सूरज भगवान। हम इधर रोड रोड से अब ऊपर ऊपर से जा रहे हैं। नीचे आगे से पुल है, वहाँ से क्रॉस करके भिलगांव, प्रॉपर भिलगांव, ये भिलगांव की बॉर्डर है। ठीक, फिर अपन वहाँ पहुँच जाएंगे। ये देखिए उदय नदी। है सुंदर। चलिए चलते हैं। एक महाराज आए पीछे से अभी, नाव क्रॉस करके। चलते इनके साथ दोस्तों। ये देखिए, ये उदय नदी के ऊपर से हम क्रॉस करते हुए भिलगांव पहुंच रहे हैं। वे भिलगांव में ही आता है सब, पीछे वाला भी। और ये उदय नदी बीच में से जाती है, काफ़ी बड़ी और काफ़ी लंबी नदी है। और यह पिछली बार हम स्कूल में रुके थे दोस्तों, ये रहा इधर, स्कूल में रुके थे। लेकिन इस बार सब चेंज हो चुका है, स्कूल भी, लोग भी, सब कुछ। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम धड़गांव की तरफ, शाम तक धड़गांव पहुंच ही जाएंगे। चलिए नर्मदे हर 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 महादेव। ये उदय नदी के किनारे बसा हुआ भिलगांव, बहुत सुंदर गांव है। गांव में जो चीज़ें ज़रूरी है वो सभी है, और गांव के लोग भी अच्छे ही है, बोलचाल से, स्वभाव से पता लग जाता है। शूलपानी के बारे में बहुत सारी नई चीज़ें मुझे पता लगी, क्योंकि आपको आगे बताएंगे। बहुत कुछ बदल चुका है शूलपानी के एरिया में, और जो सेवा देते थे उनके बारे में भी बहुत कुछ बदल चुका है। अब वैसा कुछ भी नहीं रहा जो पहले था, ठीक है। वो मैंने बहुत करीब से देख लिया है, आप आएंगे तो पता लग जाएगा आपको। चलिए चलते हैं। देखिए भिलगांव के लोग अब तरक्की की तरफ है, उन्होंने सीताफल का वन बना दिया है यहाँ पे, और सुंदर से, जो पिछली बार देख रहा था उससे ज़्यादा पेड़ लगाए हुए उन्होंने। देखिए सब सुंदर कर दिया है, धीरे धीरे और सुंदर हो जाएगा। और यहीं पे हमने पिछली बार चाय पी थी यहाँ पे। अब आगे चलेंगे, हमारी चाय हो चुकी है, तो आगे चलते हैं। हम अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं धड़गांव की तरफ। और कल रात को क्या हो गया था, भिलगांव पहुंचा, उदय नदी क्रॉस करके फिर आश्रम में गए, तो आश्रम था छोटा, ठीक है। अब मेरे साथ में, मेरे पीछे, मेरे साथ में तो कोई नहीं था, मेरे पीछे थे लगभग 12 लोग थे एमपी के। पहले से आश्रम में लगभग 15 से 20 लोग थे। वो 12 लोग गए, फटाफट अपना सामान रख दिया, उन्होंने कैपेसिटी ही नहीं देखते वो, कि भाई आश्रम की कितनी कैपेसिटी है,
कितना आश्रम अफोर्ड कर सकता है। फटाफट सामान रख देते हैं, फटाफट आसन लगाना शुरू कर देते हैं। उन्होंने रास्ते पे भी आसन लगा दिया, सब कुछ ऐसा कर दिया। फिर जगह तो किसी के लिए नहीं थी, ऑलमोस्ट ज़्यादा ज़्यादा 4 लोग आ सकते थे और, लेकिन ये 12 लोग थे, उनको बाहर ही सोना पड़ा। मुझे भी बाहर ही सोना था, लेकिन मुझे लगा इनका होने दो, मेरे को पूजा करनी है, मेरे को आसन लगाने के बाद उठाना नहीं है, तो फिर फटाफट मैं कहीं पे आसन लगा लूँ। तो एक शेड देख के आया था रास्ते में ही, तो मैं उधर पहुँचा तो जो शेड के मालिक वगैरह थे उनको बोला मुझे इधर सोने दो, रात को सिर्फ सोना है मुझे और कुछ नहीं, आसन लगाना है। तो वो बोले ठीक है, यहाँ पे मत सो। उनके सिक्योरिटी गार्ड का एक कमरा था, उसके बाहर वहाँ सिक्योरिटी गार्ड सोते थे शेड में, और बाहर एक ऐसा बना दिया था पतरे का, तो वहाँ सो जाओ। तो मैं सोया और आसन लगा के पूजा करने लग गया। फिर उन्होंने बोला, वो थे महाराष्ट्र पंढरपुर से, जो विट्ठल भगवान का स्थान है उन वहीं से थे, और मराठी थे वो। अब यहाँ पे मराठी आदमी इतने दूर नौकरी पे था वो बंदा, तो बहुत अच्छा लगा कि 7 साल से थे वो। ठीक, वो दिखाया मैंने इसलिए नहीं क्योंकि अगर आप पहुँचे तो बंदा है नौकरी वाला, 17-18 हज़ार सैलरी है उनकी, तो उसमें वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इस वजह से मैंने उनको दिखाया नहीं, बस बताया कि वैसे ऐसा है। ठीक, क्या है यहाँ मेरे से सुनते हैं लोग, फिर फटाफट वहाँ पहुँच जाते हैं कुछ लोग, तो वो ठीक नहीं है। ठीक, तो फिर मैं वहाँ पे रुका। उन्होंने बोला आप बाबा उधर आश्रम में मत जाना भोजन के लिए, आप यहीं पे बना देना, यहीं पे बना दूंगी। फिर उन्होंने बनाया, और बनाया भी तो क्या, मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि परिक्रमा में वो मिलेगा। मेरी फेवरेट सब्जी, उसको बोलते हिंदी में सहजन और मराठी में सेवगा और इंग्लिश में बोलते हैं ड्रम स्टिक। ठीक है, वो बना दिया उन्होंने। वो 7 साल से यहाँ पे है, 7 साल से उन्होंने पता है क्या क्या कर दिया, 7 साल से अच्छे अच्छे पेड़ लगा दिए, बेर के पेड़, आम के पेड़, ऐसे मैक्सिमम पेड़ लगा दिए। और शूलपानी में तुलसी का पौधा नहीं देखा था, उनके यहाँ पे तुलसी ही तुलसी थी। वो पंडरपुर स्थान का लोगों का वो वहाँ पे दिख रहा था, संस्कार एनर्जी जो भी समझो। ठीक है, तो ये होता है, अच्छा इंसान जहाँ चला जाता है वहाँ पे, वो वृंदावन का इंसान वहाँ पे जाके वृंदावन ही बनाएगा, पंडरपुर का पंडरपुर ही बनाएगा, और संस्कार दिखते हैं वो। ठीक, बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके, हम रात में बहुत सारी बातें की और भोजन वोजन करके फिर सो गया था। और सुबह उन्होंने मुझे, अभी तक तो गर्म पानी नहीं मिला था, मैं बोला ठंडे पानी से ही नहा लूँगा, फिर उन्होंने लेकिन गर्म पानी दे दिया उन्होंने नहाने, तो फिर नहाना अभी इतने प्यार से दिया है तो फिर नहा लिया मैंने, और ठंड भी थी ही, और रात को ओस पड़ती है, इस वजह से एक एक्स्ट्रा चादर भी दे दी थी उन्होंने। क्या है दोस्तों, अब मैं उनको दिखा देता, सब कुछ कर देते, लेकिन देख के ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुंच जाएंगे तो फिर उनको वो नहीं कर पाएंगे उनका, और वो मना भी नहीं करेंगे, तो उनके 17-18 हज़ार सैलरी में कहाँ बन पाएगा ना, तो इस वजह से मैंने दिखाया नहीं है। लेकिन आप मिल सकते हैं, वहाँ रुक नहीं सकते। ठीक है, वो तो मैं अकेला था इस वजह से उन्होंने कर दिया था, और छोटा था, और खुद ही आया था, मैं खुद ही गया था। पर याचक बनो, मतलब भिक्षा मांगो तो सब मिल ही जाता है, तो ऐसा हुआ, बहुत अच्छा लगा। हम उस हिसाब से दक्षिणा भी दे के आए, क्योंकि सेवा नहीं ले सकते इतनी ज़्यादा हम किसी से, इस वजह से सेवा दे दिया। ये देखिए, ये दोनों छोटू लड़ रहे हैं, इनको आधा घंटा हो गया लड़ते हुए, ये लड़ तो नहीं रहे, खेल रहे, और यहीं से रोड जाता है, और ये झरना बह रहा है यहाँ से, ऐसे झरने शूलपानी में बहुत सारे हैं, तो इन्हीं का जल पीना पड़ता है। अभी हम यहाँ से जल भरेंगे, फिर आगे निकल लेंगे।
दोस्तों ये देखिए मोर, ये फीमेल मोर है, मुझे लगा मुर्गी है लेकिन ये पास से गए तो मोर दिखाए। दोस्तों हम ये नदी फॉलो करते 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 ये रोड जाता है, ये दड़गांव की तरफ जाता है। अब नीचे उतर चुके हैं, पहाड़ हो गए ख़त्म थोड़ा सा, अभी थोड़ा ऐसा ही रास्ता रहेगा सीधा सीधा सीधा, ये उदय नदी के किनारे किनारे हम चलते रहेंगे ऐसे ही, ठीक है। चलिए नर्मदे हर, और ये इस नदी का पानी यहाँ पे बहुत साफ़ सुथरा है, ठीक। यहाँ पे थोड़ा रुके क्या, रुकने के लिए बनाया हुआ है, फिर रुकते हैं थोड़ा सा। हम राजबरडी गांव होते होते अब होते हुए धड़गांव निकल रहे हैं। राजबरडी के बाद एक छोटा सा झरना लगता है सुंदर सा। ये रास्ता जो दिख रहा है ये शेलकुई गांव का है, देखिए पीछे रह गया थोड़ा शेलकुई गांव, लेकिन ऐसे ही बस एक घर थोड़ी दूर पे, एक घर थोड़ी दूर पे ऐसा गांव है, लेकिन पूरा रास्ता पेड़ों से घिरा हुआ है, बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है। सारे गांव में ऐसे पेड़ लगे हुए हैं, देखिए सब हरा भरा है, खेल कोई गाँव पे ऊपर भी उन्होंने हरा भरा कर दिया है, तोड़ते नहीं है, बहुत सुंदर खेल कोई गाँव, पानी भी अच्छा है। ये है धनाजय गाँव, धनाजय गाँव अच्छा गाँव, देखिए दिख रहा है सुंदर। वो देखिए आगे कैसे रास्ते पे छांव बनी है पेड़ों की, ये अच्छा लगता है। अगर दोपहर में आए ना तो दोपहर में बहुत अच्छा लगेगा, आराम से आदमी थकता नहीं है ऐसे रास्ते से। दूर दिख रहा है शूलपानी के पहाड़ सारे। दोस्तों हम रुक चुके हैं धनाजय के आश्रम में, ये है श्री शंकर नर्मदा आश्रम धनाजय, धनाजय गांव है, और यहाँ पे मिले हैं, ये देखना नहीं चाहते, चलो ठीक है, लेकिन नाम तो बता दूंगा मैं लेकिन चलो छोड़ो, जो नहीं दिखना चाहता उनको पोस्ट नहीं करना चाहिए। और अच्छा आश्रम है, बड़ा आश्रम है और सुविधा सारी है। सुविधा तो क्या है, अभी मैं 4 बजे आ गया था तो रुक ही गया,